हेलो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन के कारण कौन कौन से होते हैं, भूस्खलन विनाशक शक्ति क्या है और भवनों को भूस्खलन से होने वाली क्षति से कैसे बचाया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक सूखा। सूखा क्या होता है? किसी क्षेत्र में वर्षा न होने से या वर्षा न होने अथवा बहुत ही कम वर्षा होने के परिणाम उत्पन्न भोजन, जल, पशु, चारे, वनस्पतियों एवं रोजगारों में कमी वाली स्थिति अथवा अभावग्रस्त स्थिति को सूखा कहा जाता है। तो ये हमने देखा कि सूखा किसे कहते हैं। अब देखते हैं सूखा के विनाशक शक्ति क्या होती है। इसमें जो पहली बिंदु बनेगा वो बनेगा सूखे के विनाशक शक्ति। सूखा भारत में सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। जिन क्षेत्रों में बार बार सूखा पड़ता है वहाँ के लोग सूखे का भयंकर को प्रभाव पड़ता है। कृषि व वन पशुपालन पर आश्रित ग्रामीण तथा वनों की उपज पर आश्रित आदिवासी वन्य व्यक्तियों की तुलना में इस आपदा के अत्यंत को प्रभावित होते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 70% से अधिक उपजाऊ भूमि कि उर्वरक क्षमता सूखे के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। सूखे के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तो ठीक है, और समस्या क्या क्या आती है सूखे के कारण। अगला बिंदु सूखे से उत्पन्न समस्याएं या सूखे के कारण उत्पन्न समस्याएं। इसमें जो पहला आएगा वो आएगा पानी की कमी। दूसरा आता है बेरोजगारी। तीसरा कृषि एवं कृषकों पर प्रभाव। चौथा आता है निर्धन परिवारों पर प्रभाव। और अंतिम आता है महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव। अगला बिंदु बनता है हमारा इसमें सूखे के क्या कारण होते हैं, यानी सूखे के कारण या सूखा पड़ने के कारण। अब देखते हैं इसमें क्या लिखना है। यह सर्वविदित है कि सूखे का प्रमुख कारण लंबे समय तक अनावृष्टि यानी कि वर्षा का न होना है, किंतु कुछ कारण इससे अधिक भी हैं जिनके कारण सूखा का प्रकोप और अधिक प्रकार रूप धारण कर लेता है। वो कारण क्या क्या हैं? इसमें पहला आता है पर्यावरण का ह्रास। दूसरा है मृदा की उत्पादक शक्ति का ह्रास।
तीसरा है स्वच्छ जल की उपलब्धता की कमी। स्वच्छ जल की उपलब्धता की कमी। इस तरह से हमारा सूखा टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है चक्रवात यानी सिलिकॉन्स। चक्रवात क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायुमंडल के अंतर्गत कम दबाव व अधिक दबाव प्रवणता वाले क्षेत्रों को चक्रवात कह दिया जाता है। चक्रवात एक प्रबल भयंकर की भांति होता है जिसके दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में तीन हवाओं के साथ साथ तीव्र मूसलाधार बारिश होती है एवं विशाल महासागरीय लहरें उठती हैं। चक्रवात के एकदम मध्य केंद्र को चक्रवात की आँख कहा जाता है। चक्रवात की इस शांत आँख के चारों तरफ 20 से 30 किलोमीटर तक विस्तृत मेघों की दीवार का क्षेत्र होता है जहाँ झंझावातीय पवने मूसलाधार बारिश वाले मेघों के साथ साथ गर्जन व बिजली की चमक भी पाई जाती है। चक्रवात का व्यास कई सौ किलोमीटर के घेरे वाला होता है तथा इसकी शांत आग का व्यास 20 से 25 किलोमीटर का होता है। चक्रवात से जान व माल दोनों की भारी क्षति होती है। चक्रवात प्राय भूमध्य रेखा के 5 से 20 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य में ही आते हैं। ये हमारा चक्रवात हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चक्रवात की विनाशक शक्ति क्या क्या होती है। इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा चक्रवात की विनाशक शक्ति। चक्रवात ऐसी घातक प्राकृतिक आपदा है जो विश्व के जिस भी भाग में घटती है वहाँ के जीवन संपत्ति को भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्राय हर वर्षा इन आकस्मिक एवं प्रचंड चक्रवातों से समुद्र तट के क्षेत्र तथा उनकी राह में आने वाले द्वीपों को भयंकर व विशाल विनाशलीला के कहर का कारण चक्रवात के दौरान ऊंची उठने वाली तीव्र हवाएं, बाढ़ वाली वर्षा एवं इससे जुड़ी कई तूफानी लहरें भी बनती हैं। चक्रवात की विनाशक शक्ति का संभावित दुष्प्रभाव कुछ इस तरह से है। कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं देखते हैं। इसमें जो पहला दुष्प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है? यातायात एवं संचार प्रणाली का क्षतिग्रस्त होना। दूसरा होता है जन धन व स्वास्थ्य की हानि होना। तीसरा है कृषि एवं कृषि से संबंधित उद्योगों को भारी नुकसान होना।
और इसमें लास्ट जो होता है वो होता है जल आपूर्ति की समस्या। इसमें अगला आता है, क्या आता है, चक्रवात उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं। चक्रवात उत्पत्ति के कारण उष्ण सागरीय तापमान, सर्वाधिक अधिक सापेक्ष आर्द्रता, दूसरा अधिक सापेक्षिक आर्द्रता एवं वायुमंडल अस्थिरता, के कारण चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है। अगली बिंदु बनती है इसमें चक्रवातों से भवनों को क्षतिग्रस्त होने से कैसे बचाया जा सकता है। अगला बिंदु क्या है, चक्रवातों से भवनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाव के उपाय। इसमें सबसे पहला आता है स्थल चयन। स्थल चयन में क्या आता है कि समुद्री तटवर्ती चक्रवाती क्षेत्रों में भवनों के निर्माण के लिए स्थल का चयन करते समय ऐसे स्थल को वरीयता दी जानी चाहिए जो कि सर्वथा प्लावन स्तर से ऊपर हो। बाढ़ प्लावन के खतरे से बचने हेतु यदि ऊंचे उच्छेद वाली प्रकृति भूमि उपलब्ध नहीं हो तो अधिकतम लहर उमड़ाव स्तर या कृत्रिम उठान युक्त भूमि टीलों तथा चिकनाई रहित बैसाखियों पर भवनों की संरचना की जानी चाहिए। दूसरा आता है प्लेटफॉर्म व ओरिएंटेशन। प्लेटफॉर्म तथा ओरिएंटेशन, इसमें क्या आता है, निजी भवनों में वृत्ताकार या बहुभुजाकार की आकृति को वरीयता दी जानी चाहिए तथा एक सम्मिलित भवन की आकृति अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ मानी गई है। तीसरा आता है इसमें नींवें। नींवों में क्या है कि भवनों की नींवें कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर टिकी रहनी चाहिए जिसमें से पहली है लहर उठाव या बाढ़ का प्रभाव ना हो, दूसरा बैसाखिया खंभों पर भवन हो, इसमें तीसरा आता है दीवार झरोके, और चौथा आता है
छत की वास्तु विद्या। इतने बिंदुओं के आधार पर हम चक्रवात से अपने घरों को बचा सकते हैं क्षतिग्रस्त होने से। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। प्राकृतिक आपदाओं के अंदर अब तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक आपदा क्या होती है तथा उससे कैसे प्रबंधन होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव जनित आपदा कितनी होती हैं और उनसे कैसे बचाव किया जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।